पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री शिवराज पर एफआईआर दर्ज कराने को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर दिग्विजय सिंह कमलनाथ सरकार पर कन्यादान योजना पर धोखा, बेरोजगारी भत्ता न दिए जाने और किसानों के 2 लाख के कर्ज माफ न होने को लेकर एफआईआर दर्ज कराते तो अच्छा लगता। नरोत्तम ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के बाद दिग्विजय 6 साल अंतर ध्यान में मिलेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर एफआईआर कराने की जगह अगर पूर्व की कमलनाथ सरकार पर एफआईआर कराते तो अच्छा होता। नरोत्तम ने कहा कि हमारे मन को अच्छा लगता अगर वो किसानों के साथ 2 लाख का जो धोखा हुआ है उस पर एफआईआर कराते, और ज्यादा मन को अच्छा लगता जब दिग्विजय नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का धोखा, कन्यादान योजना पर धोखा देने, बेटियों को लैपटॉप स्कूटी देने का धोखा देने पर एफआईआर कराते। नरोत्तम ने कहा कि ये राज्यसभा चुनाव है, उसके बाद दिग्विजय 6 साल अंतर ध्यान हो जाएंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की हो रही बैठक पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमें किसी तरह की रणनीति नहीं बनाना है, हमारे पास पूरे वोट है, हमारे 2 लोग चुनकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति के लोगों को धोखा दिया है, पहले भी जब दूसरे लोगों को चुना जाना था तब वे आ गए थे। राज्यसभा के लिए कांग्रेस को फूल सिंह बर्रैया को जिताना चाहिए। हमारे मन को अच्छा लगता कि अगर वो किसानों के साथ 2 लाख रुपए का जो धोखा दिया उस पर एफआईआर कराते, और ज्यादा मन को अच्छा लगता कि बेरोजगारी भत्ता देने का नौजवान को जो धोखा दिया गया उस धोखे की एफआईआर कराते, कन्यादान योजना पे धोखा दिया, बेटी को लैपटॉप स्कूटी देने का धोखा दिया, इन पे अगर वो कराते तो ठीक लगता। अब ये तो राज्यसभा चुनाव है, चुनाव के बाद फिर आपको 6 साल अंतर ध्यान में ही मिलेंगे। वो आप ही उसका सवाल का जवाब ही आपके पास है, आपने सवाल में ही जवाब छुपा हुआ कि चुनाव की वजह से आते। कोई रणनीति नहीं है भाई, हमारे पास पूरे बोर्ड है, हमें रणनीति क्या बनाना, 2 लोग हमारे चुन के जाएंगे। ये तो वो लोग सोचे राज्यसभा वाले जिन्होंने प्रारंभ से ही जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उन्हें धोखा दिया। पहले से बान सिंह सोलंकी थे, तब दिग्विजय सिंह जी आ गए, वो नहीं बन पाए। फिर बुआ जमुना देवी जी आई हमारी, फिर दिग्विजय सिंह जी आ गए। अब फूल सिंह बरैया आए तो फिर दिग्विजय सिंह जी आ गए। सबसे बड़ा ये दलित विरोधी चेहरा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।